अनिला सिंह जी, कांग्रेस अब एक बड़ी रणनीति बना रही है और भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा। संसद में आपने राहुल गांधी को सुना और अब 23 राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। तो क्या 24 में ये जो चुनाव है मोदी वर्सेस भ्रष्टाचार होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस इस मामले को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाह रही है। मेरी सबको राम राम। और चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। ऐसा राजनीतिक दल जिसकी नींव भ्रष्टाचार पर पड़ी हो और स्वार्थ पर पड़ी हो, आज वो ये सिद्ध करना चाहते हैं। एक तपस्वी, एक फकीर जो प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र की सरकार चला रहे हैं, पूरे राष्ट्र को संभाल रहे हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे? ये वो राजनीतिक दल है। आप देख लीजिए 1947 में भी जो विभाजन हुआ वो स्वार्थ के आधार पर हुआ था, नहीं तो ये विभाजन नहीं होने वाला था। देश को टुकड़ों में तोड़ा। और हाल फिलहाल का भी अगर आप देख ले, चाहे वो अगस्ता वेस्टलैंड कार्ड देख लीजिए, 2G स्पेक्ट्रम देख लीजिए, कोला घोटाला देख लीजिए, आदर्श सोसाइटी वाला जो घोटाला है वो देख लीजिए, राजस्थान एम्बुलेंस घोटाला देख लीजिए, मतलब बोफोर्स देख लीजिए, कौन सा क्षेत्र छोड़ा है, चीनियों के साथ इनके संबंध क्या है, पाकिस्तान में बैठकर कहते हैं हमें सत्ता में लेकर आ जाओ। हाल फिलहाल की भी जितने सर्वेज हैं किसी का भी देख लीजिए, हाल फिलहाल की इंटरनेशनल देख लीजिए, नेशनल देख लीजिए, मोदी जी को चुनौती देने वाला कोई राजनेता यहां पर अभी नहीं है। हाल फिलहाल में भी जो इंटरनेशनल एजेंसी, उसने बोला मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट पॉपुलर लीडर अगर कोई है विश्व में तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे ही किसी को ख्याति नहीं प्राप्त होती है, काम किया है इसलिए ख्याति प्राप्त होती है। तो यहां पर जो भ्रष्टाचार में जो रमते हैं, बसते हैं और अपने आप को चमकाने का प्रयास करते हैं, उनके कुछ भी कहने से कुछ नहीं होने वाला है। एक भ्रष्टाचार का मुद्दा दिखा देना, एक दिखा दे केस मोदी जी को लेकर, एक केस दिखा दे। कल चुनौती दी गई थी ना पार्लियामेंट में, निशिकांत दुबे जी ने चुनौती दी थी ना, चुप होकर क्यों बैठे हैं ये लोग, मुंह पे टेप लगा के बैठे हुए हैं। अनिला सिंह जी, एक उदाहरण दिखा दे। कल राहुल गांधी ने स्पीकर को अपना जवाब भी दे दिया, उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा वो सब सही है, तथ्य के आधार पर बोला है, पब्लिक डोमेन में सब कुछ है, तो फिर किस बात के सबूत मांग रही है बीजेपी? राहुल गांधी अडिग हैं अपनी बात पर, अडिग रहते रहे कांग्रेस पार्टी में, हो सकता है वो खुदा हो, पर हमारे लिए वो कांग्रेस के एक पदाधिकारी से ज्यादा नहीं है। एक पदाधिकारी उछल उछल के राष्ट्र के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अखबारों का हवाला दे रहे हैं, थोड़ा सा ज्ञान नहीं है? बड़े बड़े जो वकील है इनकी पार्टी में भी है, क्या सोचते हैं कि अखबारों का हवाला देकर या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हवाला देकर ये सिद्ध करेंगे? अडानी अवानी केवल 2014 से बन गए, उससे पहले क्या था? अपने गिरेबान में झांक कर देखें, लेकिन अगर नहीं है तो कुछ नहीं, तो गुरु पिक्चर वो देख लें, वहां पे अंबानी की शुरुआत कैसे हुई है। बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है, केंद्र सरकार को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब केंद्र सरकार एक्सपर्ट कमेटी बनाने को तैयार हो गई है, अब इसकी वजह क्या? पहले तो आपने मना कर दिया था अनिला सिंह जी। हाँ, एक बार फिर से बोलिएगा विपनेश। अब केंद्र सरकार एक्सपर्ट कमेटी बनाने को तैयार हो गई है, पहले तो आप ना कर रहे थे और आपने एकदम से हाथ झाड़ लिए थे कि इस मामले से हमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, एजेंसियां काम कर रही हैं। तो ये विपक्ष का दबाव है, क्या है, किस वजह से केंद्र सरकार आगे बढ़ी है कमेटी को लेकर? आपको लगता है कि विपक्ष के दबाव में कुछ किया जा सकता है? नहीं, विपक्ष का दबाव और इतना बड़ा विपक्ष का दबाव है तो ये चुनावों में क्यों नहीं दिखाई देता है? यहाँ भारत की जनता तय करती है। ठीक है, एक्सपर्ट कमेटी बना दो, कोई सी कमेटी बना दो। मैंने जैसे निशिकांत दुबे जी ने भी पार्लियामेंट में खुली चुनौती दी थी, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या 140 करोड़ की आबादी वाला देश जो है ये चुनौती देता है। दिखाइए, एक उदाहरण दिखा दीजिए कि किसी भी घोटाले में डायरेक्टली जो है नरेंद्र मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट हो। मैं दावा कर सकती हूं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र में मोदी जी, एक उदाहरण कोई नहीं दे सकता जिसमें घोटाले में इनका हाथ हो। ये तपस्वी लोग हैं, मैं जवाब राष्ट्र की और प्रदेश की सेवा करने के लिए आए हैं। आप कह रही हैं कि जो उंगली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उठी है वो साबित करके दिखाएं, बिना साबित करे, बिना प्रूफ के इस तरीके से एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।